लोकसभा की सम्मानित जनता का पुनः आशीर्वाद मिलेगा, मैं तन मन से समर्पित होकर सेवा कर सकूंगा। इटावा में बोले डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, सांसद एवं प्रत्याशी लोकसभा इटावा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनः प्रत्याशी बनाए जाने के पश्चात प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के जनपद आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत के नेतृत्व में आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। टिकट मिलने के बाद प्रथम बार जनपद आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत के नेतृत्व में फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आशीर्वाद यात्रा में 500 से अधिक चार पहिया वाहनों से 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी एवं सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया लोकसभा भ्रमण कर जनता से आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से पटेल चौक सिकंदरा के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए अब की बार 400 पार यही समय है, सही समय है, मोदी योगी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जिंदाबाद के जयकारों से माहौल को भाजपा माय कर दिया। आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ इटावा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शास्त्री चौराह होते हुए बस स्टैंड होते हुए पक्कावाग चौराहे से होते हुए NH2 से औरैया होते हुए पटेल चौक सिकंदरा के लिए रवाना हुई। जो 10 साल प्रधानमंत्री बनकर के देश के गरीब किसान मजदूर युवा और महिला के विकास के लिए जो काम किया है और देश की जो तरक्की हुई है और दुनिया में जिस तरह भारत की लोकप्रियता बढ़ी है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया मानती है जिनको, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है NDA 400 पार सीटें जीत करके और जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, निश्चित रूप से वो सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जीत करके और तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि मार्जिन बढ़ाओ, तो कितना लक्ष्य लेकर के चल रही जीत का? 2,00,000 पार। 2,00,000 पार। लेकिन जिस तरह से आप एक बयान दे रहे हैं कि 120 हटाओ देश बचाओ, आपको क्या लगता है कि इस बयान का क्या मायने रहेगा? जनता ने तय कर लिया है कि राहुल और अखिलेश हटाओ देश बचाओ। लेकिन दिव्या का नाम दिव्यापुर रखा जाए तो क्या लग रहा है कि उसको खरोंच देंगे? ऐसा क्यों लिखना पड़ा और क्या जरूरत पड़ी है? नहीं रखा जाए, नहीं तो क्यों रखा जाए? क्योंकि दिव्यापुर है नाम, इसलिए नहीं तो आपके ट्वीट जनता की मांग है। जनता